तो दोस्तों और फिर क्या चल रहा है? ऐसा मरूंगी ना दोबारा मैं बिठा कर जाकर सिद्ध राम ज्यादा गजब बेइज्जती है गजब बेइज्जती है। इसकी टांग तू आना मेरे पास, देखता हूँ चकना कौन लाएगा तेरी। क्या ओ ओ ओ ओ ओ भाई ओ ओ भाई मेरी कोई बात नहीं सुननी। अरे सुन तो, अरे बिना चकने की कड़वी लगती है यार, बात को समझा कर। सुन मेरे को, सुन तो सही। अरे सॉरी सॉरी बोल रहा है यार, सुन। अरे सुन तो ले, ओ सुन तो सही। अच्छा खासा चकने का बंदोबस्त था, चला गया वो। खैर छोड़ो, हम लोग जिसके लिए आए हैं वो देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेमी वॉशिंग मशीन के टाइमर का कनेक्शन किस तरह से करना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप हर तरह के सेमी वॉशिंग मशीन के टाइमर का कनेक्शन आराम से कर सकते हैं, उसके वायरिंग को समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे देखिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। और यदि इसके वायरिंग का डायग्राम डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ पे क्लिक करके आप उसका डायग्राम डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और हाँ, अब आप हमारे वीडियो देख करके 5,000 रुपये तक का अमेजन कैश भी कमा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए ये वाला वीडियो है, इस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पर भी दे रखी है, वहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और हाँ, जिस भाई को अमेजन कैश मिलेगा तो मेरे लिए चकने का बंदोबस्त जरूर कर लेना। तो चलिए आप वीडियो देखिए, जब तक मैं कोशिश करके आता हूँ। ओ भाई कहाँ चला गया तू? तो दोस्तों ये है हमारे पास में एक टाइमर, जिसमें है टोटल 6 वायरें। देख रहे हो, एक ब्लू कलर की, एक रेड कलर की और एक ग्रे कलर की, 2 येलो कलर की और एक ब्राउन कलर की। तो आप यहाँ पे जो जो मैं चीज़ें करूँगा वो डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर किसी टाइमर में इस तरह से लंबी वायर आती है, देखिए ये बहुत ज़्यादा लंबी है, इसमें येलो और एक रेड कलर की, मतलब इसमें 2 येलो और 1 रेड कलर, ये देखिए ये 2 येलो कलर और एक ये रेड कलर। तो जिसमें ये लंबी वायर आती है तो आप ये समझ लीजिए कि ये सीधे आपके नीचे मोटर के पास में जाएगी और कैपेसिटर के पास में जाएगी, जिसमें एक फेस लगेगा और 2 कैपेसिटर के ऊपर लगेंगे। और ये जो 2-3 छोटी छोटी वायर है इसमें ये दे रखी है, ये होती है, इसमें देखिए ये 2 वायर है, ये है साइकिल। साइकिल मतलब घूमने की जो क्षमता है वो कितनी देर तक चाहिए, मतलब कि इधर घूमे 10 सेकंड फिर वापस इधर घूमे 10 सेकंड अगर ये दोनों आपस में टच करेंगे तो। अगर इन दोनों को टच नहीं करेंगे आपस में तो इधर घूमेगा 5 सेकंड फिर उल्टा घूमेगा 5 सेकंड ऐसे। तो ये लगता है साइकिल सेलेक्टर स्विच के ऊपर, ये देखिए ये वाला जो स्विच है ये साइकिल सेलेक्टर स्विच है, इसके अंदर आपको ड्रेन भी आ जाएगा और ये साइकिल भी आ जाएगी। इसमें क्या होगा कि स्पीड जो है घूमने की, एक रोटेट करने की, वो कम ज़्यादा होगी इससे। मतलब कि आपको अभी समझाई दिया कि 5 सेकंड के लिए एक तरफ फिर 5 सेकंड के लिए दूसरी तरफ, अगर इसे हम सेलेक्ट करेंगे तो फिर 10 सेकंड एक तरफ फिर 10 सेकंड दूसरी तरफ, इस तरह से ये इसका काम है, ये 2 वायरों का काम है। और ये जो सबसे छोटी वाली वायर होती है ये होती है बजर की, जो बिल्कुल इस टाइमर के बगल में लगा हुआ होता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि इसमें फेस कहाँ से मिलेगा? देखिए ये जो है ये फेस ही है, न्यूट्रल तो सब में कॉमन होता है, जो आपके स्विच बोर्ड के अंदर न्यूट्रल सब में कॉमन होता है और सिर्फ बटन के ऊपर हम फेस लगाते हैं, सेम उसी तरह से इस टाइमर के ऊपर सिर्फ फेस काम करता है, न्यूट्रल नहीं आता है इस पर, ध्यान रखिए। ये फेस है, इसे फेस मिलेगी इस लाल वाली वायर से, इस लाल वाली वायर से इसे फेस मिलेगी और ये अब स्विचिंग का काम करेगा, उल्टा सीधा घुमाने का, बजर को चालू करने का, सब ये काम करेगा। ये है एक तरीके से स्विच, जिसे हम टाइमर स्विच भी बोलते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह से पता लगाएं किसी टाइमर के अंदर कौन सी वायर है जो वॉश मोटर के लिए है, जो वॉश मोटर को उल्टा और सीधा घुमाती है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे करूँगा वैसे वैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 येलो वायर और एक ये रेड वायर, ये बड़ी है, इसे मैं, यह मेरे पास में एक होल्डर है और इस होल्डर में 2 वायर है, ये वाली वायर जो है इसमें मैं ये 2 येलो कलर की वायरें लगा देता हूँ। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि 2 येलो वायर लगाएंगे तो बल्ब तो चालू ही रहेगा। जी नहीं, वैसे तो ये अलग अलग लगती है, वैसे तो ये कैपेसिटर के ऊपर 2 वायरें लगती है, फिर उसके बाद में ये जो फेस है, कभी फेस इस पे चला जाता है, कभी फेस इस पे चला जाता है। अगर इस पे जाएगा तो मोटर सीधी घूमेगी और इस पे फेस चला गया तो मोटर उल्टी घूमेगी। तो ये कार्य करता है ये टाइमर। तो यहाँ पे मैं दोनों ही वायरों को आपस में यहाँ पे इसके साथ में जोड़ देता हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बाकी तो आप डायग्राम देख के सारी चीज़ें समझ जाएंगे। अब यहाँ पे हम लगाएंगे फेस और इस वाली वायर पे लगाएंगे न्यूट्रल और यहाँ पे लगाएंगे हम एक बल्ब, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये जो 3 वायरें हैं यही मोटर की है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा और कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को,
कि किसी किसी टाइमर के अंदर वायरों के कलर अलग अलग होते हैं, जैसे कि इसमें दो येलो और एक रेड दे रखा है। इससे पता चल रहा है बिल्कुल साफ साफ कि यही मोटर की वायर है, जिसमें दो येलो कलर जो है वो कैपेसिटर पे लगेगा और एक जो रेड कलर है वो फेस के ऊपर लगेगा। लेकिन किसी किसी में उल्टा होता है, कुछ अलग अलग कलर होते हैं, जैसे सैमसंग वाले में अलग है। अब ये गोदरेज की है, ये 15 मिनट का टाइमर है, 35 मिनट का भी टाइमर आता है, टाइमर का साइज़ भी अलग अलग आता है, टाइमर का शेप भी अलग अलग आता है, जैसे कि दिखने में शेप कुछ इस तरह से है, किसी का अलग आता है। किसी में दो स्विच एक साथ जुड़े हुए होते हैं, जिसमें ये साइकिल सेलेक्टर स्विच और ये टाइमर ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। ऐसे भी आपने टाइमर देखे होंगे जैसे कि आपको इमेज में नज़र आ रहा है, तो अलग अलग टाइमर आते हैं। तो चलिए मैं अब आपको यहाँ पे बल्ब लगा के इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लगा ही दिया, अब इसमें हमें एक में न्यूट्रल और एक में फेस लगाना है। ये है हमारे पास में एक वायर, हम लाल वाली में ये लाल वाली वायर को लगा देते हैं। ये हमने बल्ब लगा दिया और ये हमारी जो साइकिल वाली जो वायरें हैं, ये अगर आप चाहो तो इसे आपस में टच करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस स्विच के अंदर न्यूट्रल और फेस दोनों एक साथ नहीं आते, इसमें सिर्फ फेस आता है। और हो सकता है कि न्यूट्रल भी आए, फेस नीचे आए, क्योंकि हमारे स्विच बोर्ड में कभी कभी करंट जो है लेफ्ट के जगह राइट और राइट के जगह लेफ्ट में होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए मैं जो है इसे अगर आपस में टच करके मैं आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक बार इसे चालू करके दिखा देता हूं। तो ये हमने कर दिया इसे चालू, अब आप यहां ध्यान से देखिएगा क्या होता है। ये जला, बंद हो गया, फिर से जला, ये बंद हो गया, मतलब ये थोड़ी सा घुमा फिर बंद हो गया, फिर वापस से उल्टी तरफ घुमा फिर बंद हो गया, फिर वापस सीधी तरफ घूमेगा, ये घुमा बंद हो गया, ठीक है। अब यही चीज मैं इन दोनों को आपस में टच करूंगा तो इसकी जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ये देखिए, ये मैंने आपस में टच कर दिया, देख रहे हो। अब क्या होगा कि बल्ब ज्यादा देर तक जलेगा, ये देखिए, ये ज्यादा देर तक चला, बंद हो जाएगा, ये देखिए फिर से जला, फिर ज्यादा देर तक जलेगा, फिर बंद हो जाएगा। तो ये समझिए एक बार उल्टी तरफ और एक बार सीधी तरफ घूम रहा है, ये देखिए ये घुमा और ये बंद हो गया। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है। ये मैं हटा दूंगा तो ये देखिए वापस कम चलेगा, ये थोड़ी देर के लिए चलेगा, ये देखिए ये चला और ये बंद हो गया। तो ये होता है इन दो वायरों का काम। साइकिल जो होती है, घूमने की जो साइकिल होती है, उसकी टाइमिंग को ये दोनों वायरें बढ़ाती है, इसलिए ये दो वायरें एक्स्ट्रा दी हुई होती है। और ये वाली तो सीधी सी बात है, ये तो बजर की वायर है, आप जब बजर लगाएंगे तो उसमें ऑलरेडी न्यूट्रल आया हुआ होगा, तो ये फेस जो है ये यहाँ से मिलेगा, जब ये टाइमर खत्म होने का होगा तब ये वाली वायर पे करंट आ जाएगा और आपका बजर चालू हो जाएगा। तो ये एक काम करता है टाइमर, एक तरीके से ये स्विच है, वॉशिंग मशीन का टाइमर स्विच है ये सिर्फ टाइम के हिसाब से काम करता है, जैसे हम बटन ऑन ऑफ करते हैं हमारे घर के, सेम उसी तरह से ये काम करता है। लेकिन इसके अंदर क्या चीज है कि ये जो दो वायरें दे रखी है, आप जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं कि दोनों येलो वायर जो है कैपेसिटर पे लगी हुई है और कैपेसिटर पे कोई न्यूट्रल फेस नहीं लगा हुआ, फेस यहां आ रहा है। अब जैसे ही फेस एक येलो वायर पे जाएगा तो मशीन सीधे तरफ घूमेगी, फिर वो इस वाली वायर से हटके फिर दूसरी वाली वायर पे जाएगा तो मशीन उल्टी घूमने लगेगी। इस तरह से ये टाइमर इसमें काम करता है। तो ये होता है इसका काम करने का तरीका। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको फिर भी इस तरह से बिजली वाला काम करने में थोड़ा सा डर लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूटी टेस्टर, इस तरह के दो कॉन्टिन्यूटी टेस्टर या एक ही कॉन्टिन्यूटी टेस्टर को लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वायर मशीन की है, जो मोटर की जो वायरें हैं, दो मोटर की वायरें जो दो सीधे कैपेसिटर पे लगेगी और एक जो वायर है रेड कलर की जैसे कि ये है, ये सीधा फेस इसमें डायरेक्ट लग रहा है। तो ये वाली वायर आपको, सिर्फ ये तीन वायरें आपको ढूंढनी है, ये तीन वायरें मिल गई ना आपको, फिर उसके बाद में आपके टाइमर का कनेक्शन करना बहुत ही इजी है। अब देखिए जिसको काम आता है ना उसके लिए तो ये तुच्छा सा काम है, बिल्कुल फटाफट करने जैसा काम, और जिसको नहीं आता है ना तो उसके लिए ये बहुत बड़ा काम है। तो देखिए यही सेम टू सेम चीज को आप इस तरह से कॉन्टिन्यूटी टेस्टर पे भी लगा के कर सकते हैं। देखिए मैंने वायर लगा दिया है, आपको अगर बिजली से डर लगता है तो आप इस तरह से इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हो कॉन्टिन्यूटी टेस्टर के जरिए। ये देखिए ये मैंने दोनों वायरें यहाँ पे लगा दी है, अब क्या करना है इसे घुमा लेना है, ये देखिए ये चालू हो गया, ये बंद हो गया, फिर से दोबारा चालू हो जाएगा, ये हो गया, अब फिर से वापस बंद हो जाएगा। अब इसकी साइकिल बढ़ानी है तो इन दोनों को आपस में एक दूसरे को शॉर्ट कर लेना है। अब इसमें आपको करंट वाला कोई डर नहीं है,
ये देखिए, ये मैंने इसको पकड़ के रखा है, आप देख रहे हो ये ज़्यादा देर तक चल रहा है, बंद हो गया, फिर वापस चालू होएगा, ज़्यादा देर तक चल रहा है, फिर बंद हो जाएगा। तो ये होता है इसके अंदर काम। अब यही चीज़ अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, ये तो हमने वायर निकाल दी, कैपेसिटर के यहाँ पे फेस लगा हुआ है। अगर आप ये बज़र में चेक करेंगे तो अभी बज़र में कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं दिखाएगा, देखिए कोई भी कॉन्टिन्यूटी नहीं दिखाएगा। और जैसे ही इसका टाइमिंग ख़त्म होने वाला होगा, ये देखिए ये हो गया बज़र चालू, और बज़र आपको पता है कि कम से कम एक मिनट तक बजता रहेगा बज़र, तो ये बज़र हो गया अभी चालू। तो इस तरह से आप वायरिंग ढूंढ सकते हो किसी भी वॉशिंग मशीन के टाइमर के अंदर, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो। ये हो गया बंद। तो इस तरह से ये टाइमर काम करता है। तो देखा आपने कि किस तरह से आपने इसके कनेक्शन को ढूंढा। आप भी इसे ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। वीडियो को बार बार देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल हो या कोई भी सुझाव हो, नीचे कमेंट करके या इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी उसे पूछ सकते हैं, मैं वहां भी उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। या कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और यहाँ से कुछ सीख सके। देखिए सीखना जरूरी है, आज के टाइम पे नॉलेज रखना भी बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।